यूपी सियासत में चल रही सियासी उठापटक के बीच बुधवार को एसपी नेता नितिन अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके महज 2 दिन बाद ही शुक्रवार को बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। दरअसल शुक्रवार को बीजेपी ने अपनी तीसरी कैंडिडेट लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें नितिन अग्रवाल को हरदोई सीट से बतौर बीजेपी प्रत्याशी उतारा गया है। इस चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को नितिन से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि नितिन इस सीट से कभी हारे नहीं है। बता दें, नितिन अग्रवाल के सियासी सफर का ये चौथा चुनाव है। नितिन ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 2008 में अपने पिता नरेश अग्रवाल की छत्रछाया में की थी। नितिन अग्रवाल के पिता नरेश अग्रवाल, जो कि हरदोई सदर सीट से 7 बार विधायक रहे, उन्होंने 2008 में विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और बाद में बीएसपी में शामिल हो गए। अपनी छोड़ी हुई सीट पर नरेश अग्रवाल ने अपने बेटे नितिन अग्रवाल को टिकट दिलवाया। नितिन हमेशा ही अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चले। जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला किया और मैदान में उतरे, तब भी नितिन के पिता नरेश ने खुद पूरे चुनाव का संचालन किया और नितिन को जीत दिलाई और खुद बीएसपी से पहली बार राज्यसभा पहुंच गए। वही साल 2012 में नरेश अग्रवाल ने फिर पाला बदला और नितिन के साथ एसपी खेमे में चले गए। एसपी ने नितिन का दबदबा देखते हुए उन्हें टिकट दे दिया। नितिन इस चुनाव में भी अपना परचम लहराने में कामयाब हुए और एक बार फिर जीत हासिल कर ली, जिस वजह से उन्हें अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया। जिसके बाद 2017 चुनाव में भी नितिन एसपी के टिकट पर ही लड़े और मोदी लहर के बावजूद उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। 2017 में सूबे में बीजेपी की सरकार बनी। कुछ दिन तक नितिन एसपी के खेमे में रहे, लेकिन कुछ दिन बाद वे बीजेपी के पाले में चले गए। इसको देखते हुए एसपी ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दायर की, लेकिन एसपी की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दी, जिससे वो विधायक बने रहे। वही बीजेपी ने भी नितिन को खूब भुनाया और एसपी को मिर्ची लगाने के लिए उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया। नितिन भले ही जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन उनकी जीत में अहम योगदान उनके पिता नरेश अग्रवाल का ही होता है। चुनाव की पूरी व्यूह रचना नरेश ही बनाते हैं। साल 2017 में जब मोदी लहर चल रही थी, तब नरेश अग्रवाल ने ही सदर सीट से बीजेपी को रोके रखा। इस सीट पर जनसंघ या बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की। वही ये पहला मौका होगा कि नितिन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।